अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी के रूबरू हाजिर हैं अपने मेहमान शेख किफ़ायतुल्लाह सनावली साहब के साथ। आइए हम सब मिलकर शेख का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद शेख से इस्तफादे की कोशिश करते हैं। शेख, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया। आज जो हम सवाल करना चाहेंगे वो जिन और शयातीन से मुतालिक। ये जिन और शयातीन क्या दोनों अलग अलग मखलूक हैं या एक ही हैं? दोनों एक ही मखलूक हैं। देखिए, कुरान में बहुत ही वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने कहा, कान मिन अल जिन, शैतान के बारे में, कि शैतान ये जिनों में से था। तो अपने जिन्स के लिहाज से तो दोनों एक ही हैं। जिन में से जो लोग नाफरमान हो जाते हैं, जो कुफार हैं, तो उनको हम शैतान कहते हैं, और बाकी जिन जो ऐसे नहीं है। जिन और शैतान दोनों एक ही हैं, जो ज़्यादा शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, वो शैतान हो जाते हैं। जिन्स और जेंडर के हिसाब से दोनों एक ही। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका खाना क्या है, ये आमतौर पर क्या खाते हैं? देखिए, इनके खाने के बारे में कुछ हदीसों में इशारा मिलता है। जैसे कई हदीसों में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हड्डियों से इस्तिंजा ना करो, हड्डियों से, क्योंकि ये जिनों का खाना है। तो इससे ये पता चलता है कि हड्डियाँ उनके लिए ग़िज़ा का काम करती हैं, उसको खाते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि वो जो हम और आप खाते हैं ना, वो भी उनके लिए ग़िज़ा है। आम ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो और हड्डी। इसकी दलील जो है वो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कर लो, नहीं तो शैतान शरीक हो जाएगा। शैतान के शरीक होने का मतलब ये है, शैतान जिन्नत है कि, तो इसका मतलब कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह करने का हुक्म दिया गया, कहीं शैतान ना शामिल हो जाए। इसका मतलब जो हम खा रहे हैं वो शैतान भी खाता है, शैतान की वो ग़िज़ा है। तो एक ये हड्डियाँ, ये हदीस से मिलता है, और दूसरा जो इंसान की ग़िज़ा है, इंसान खाता है, वो भी जिन्नत खाते हैं। इन दो के अलावा और वो क्या खाते हैं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हदीसों से इन दो चीज़ों का इशारा मिलता है। हड्डियाँ की रिहाइश आमतौर पर कहाँ रहते हैं, कैसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं? देखिए, रहाइश के बारे में इनको हम दोनों एतबार से देखेंगे, शैतान और जिन्नात। जहाँ तक शैतान की बात है तो वो भी रवायात से इशारा मिलता है। जैसे एक रवायत है कि क़ज़ाए हाजत के वक्त बैतुलखला जाने से पहले जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मिन्नी औज़ु बिका मिन अल-खुबसी वल-ख़बाइस, कि खबीस जिन, इससे पता चला इसी जगहों पर वो रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इससे एक चीज़ मिली कि गंदी जगहें जो होती हैं उसमें शैतान की बात हो रही है, जो बुरे लोग हैं वो गंदी जगहों पर रहते हैं। ऐसे ही बाज़ार के बारे में भी कुछ रवायतों में आता है कि वहाँ शैतान, क्योंकि बाज़ार ही फितने की चीज़ है, तो वहाँ शैतान रहते हैं। और फिर वहीं से ये बात भी निकली कि जहाँ जहाँ भी फितने की जगह है, जहाँ भी लोगों को बकाया जा सकता है, लोगों को बर्बाद किया जाता है, उन सब जगहों पे जो है शैतान का बसेरा होता है, वहाँ पे उनका अड्डा होता है। तो ये शैतान के बारे में होगी, जो कुफार हैं, लोगों को बहकाते फुसलाते हैं। जहाँ तक के जिन्नतों की बात है तो ये गंदी जगहों पे रहना पसंद नहीं करते, जो मुस्लिम हैं जिन्नात में, बल्कि वो तो इबादत भी करते हैं, सुराख वगैरह में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, सुराख वगैरह में भी वो रह सकते हैं, लेकिन ये रवायात से जो इशारा मिलता है इनके बारे में, तो चूँकि वो खबीस लोगों में शुमार नहीं होते, तो गंदी जगहों पर रहते भी नहीं। बाकी वो इबादत वगैरह भी करते हैं, तो फिर गंदगी का सवाल नहीं पैदा होता। ऐसे ही एक रवायत है सही मुस्लिम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, अचानक आप गायब हो गए, सहाबा इकराम परेशान हो गए। तो बाद में सहाबा इकराम ने देखा कि आप गारे हिरा की तरफ से आ रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो कहा जिन्हों से मुलाकात करने के लिए। तो उससे एक इशारा मिलता है कि जो जिन लोग होते हैं अच्छे लोग, उनका बसेरा ये पहाड़ भी होते हैं, गार भी होते हैं, और फिर ये सहरा, बयाबान, जंगलात, ऐसी चीज़ें जो मतलब साफ सुथरी चीज़ें, अल्लाह की इबादत करते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के नबी बाकायदा उनके साथ गए, उनको समझाए, तालीम दिए, बताए। इसीलिए तो है अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अच्छा, इनकी भी शादियाँ होती हैं? अब इनकी शादियाँ कैसे होती हैं अल्लाह ही बेहतर जाने, उसके बारे में कोई तफसील नहीं मालूम है कि उनकी ज़ुर्रियत तो होती है, लेकिन उसका क्या है, क्या तरीका है, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा, इनकी कोई ख़ास शक्ल है या किसी भी शक्ल में ही आ सकते हैं? ये देखिए, अपनी असल शक्ल में तो हमको नज़र नहीं आते हैं, बाकी ये अगर किसी और की शक्ल इख्तियार कर लें, किसी और का रूप अपना लें, तो ये नज़र आ सकते हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल के दौर में भी शैतान जो है सांप की शक्ल में भी आ सकते हैं। हाँ, सांप की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, जानवर की किसी भी शक्ल में वो आ सकते हैं। अच्छा, कैसे लोगों को ये ज़्यादा पकड़ते हैं? देखिए, ये जिन्नात शैतान अगर किसी को पकड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो उसकी तीन वजह हो सकती है। पहली वजह जो सबसे बड़ी वजह होती है कि उनको आपने तकलीफ़ दिया, परेशान किया, जाने अनजाने में,
इसीलिए देखिए हदीसों में बड़ी सख्त ताकीद की गई है कि उनको परेशान ना करें, हड्डी उनका खाना है, अब उससे जो है इस्तिंजा ना करें। सही। अब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पकड़ सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। दूसरा सुराख वगैरह, यानी चूँकि ज़मीन के अंदर भी वो कहीं भी रहते हैं तो उसमें इस्तिंजा करने से मना किया गया, क्योंकि ये भी उनको तकलीफ़ देना है कहीं पे भी। एक वजह जो पकड़ने की है वो तकलीफ़ देना है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आप उनको तकलीफ़ दें जाने अनजाने में, तो वो आपको उसकी सज़ा दे सकते हैं या उस पर आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उनमें जो शरीर होते हैं, फितर जैसे इंसान है, एक इंसान दूसरे को तंग करता है, उसकी कोई वजह नहीं होती, बस ऐसी तंग करता है, तो दूसरी वजह होती है कि एक आदमी मासूम है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन बस उसकी फितरत है, उसकी शैतानियत है, वो उसको तंग करने आता है। और तीसरी एक वजह ये भी होती है कि कोई किसी जिन्नत को पसंद आ गया और पसंद आ गया उसके पीछे लग गया, तो ये तीन असबाब में से कोई एक। आमतौर पर लड़कियों पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखिए ये दावा है, वो भी असर हाजिर का दावा है कि ख़वातीन के साथ जिन्नात ज़्यादा आते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक भी वाक़या नहीं है किसी औरत के साथ। मर्द के साथ वाक़या है, सही, मर्द के साथ है, लेकिन औरत के साथ एक भी वाक़या नहीं है। सहाबा कराम के दौर में वाक़यात मिलते हैं औरत के ताल्लुक़ से भी, मर्द के ताल्लुक़ से, लेकिन अहद रसालत में खातून के ताल्लुक़ से। उस वक्त नेक रहे हों, शर्र फसाद का ज़माना है, आगे चल के ये भी जैसे इंसानों में आज बहुत लोग बुरे हो गए, वो ईमान नहीं रहा, उस वक्त में भी हो सकता है, अगर ये बात आती है। लेकिन अगर नेक रहे हो, औरत का के बाल पे आ गए हो, बाल किसी औरत की आँख पसंद आ गई या कोई और चीज़ पसंद आ गई, तो पीछे पड़ गए, परेशान करना शुरू किया, तो अल्लाह के नबी के दौर में हो सकता है उनके यहाँ भी वो ईमान का मेयार रहा हो और आज नहीं वो मेयार ना हो। हाँ, लेकिन वो मेयार अगर होता तो फिर आदमी को भी नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन आदमी को उन्होंने तंग किया उस दौर में, तो जब आदमी को तंग कर रहा है तो औरत को बदल जोड़ा तंग कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये इस बात की कोई दलील नहीं है कि जिन्नात औरतों को ज़्यादा पकड़ता है, इस बात की कोई दलील नहीं है, बल्कि गालिब इम्कान ये है, ढोंग भी बहुत होता है, बल्कि गालिब इम्कान ये है कि ज़्यादातर गलतियाँ आदमी ही करता है, तो जिन्नातों से वास्ता ज़्यादा उसी का पड़ता है। तो ये बाकी ये जो केसेस दिखाए जाते हैं ना कि औरत को जिन ने, पता नहीं क्या रहता है उसको, अक्सर तो नाटक कर रही होती है, उसको जिन्नात का केस बना देते हैं, या यूं ही माँ बाप लेके गए, अब सामने वाले ने कुछ भी सुना दिया, भाई जिन्नात है या ये है या वो है, वो लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं। कभी कभी नफ्सियाती तौर पर उसके घर वाले सब बोल बोल के उसको ये एहसास दिला देते हैं तेरे अंदर जिन है, फिर वो ऐसी चीखों पुकार करना शुरू कर देती है, यानी उसको भी लगने लगता है कि वाकई मेरे अंदर जिन है, और उस तरह की हरकतें करने लगती है। तो इस बात की कोई बुनियाद नहीं है कि शयातीन ये औरतों को ज़्यादा पकड़ते हैं, इस बात की कोई बुनियाद नहीं है, ये किसी को भी परेशान कर सकते, किसी को कर सकते। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। नाज़रीन, देखा आपने शैतान और जिन्नात के हवाले से कई अहम और मुफीद बातें हमारे सामने आई। कभी तो उनको परेशान किया जाता है इसलिए वो पकड़ते हैं, कभी यूं ही जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग शरारती होते हैं, उनमें कुछ शरारत सोचती है, परेशान करना शुरू कर देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि किसी को पसंद करने लगते हैं फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कई अहम बातें आपने हमसे सुनी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जो बातें हमने सुनी हैं उन पर पूरे इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमा। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, देखते रहिए प्रोग्राम रूबरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।